देखिए सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है यहाँ पर पेट्रोल और खजूर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है उसके सिवा यहाँ कुछ नहीं होता है पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम बहुत ज्यादा इसलिए लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं लोग सऊदी अरब एक फुल, फुल टू इस्लामिक कंट्री है इस्लामिक कंट्री यानी यहाँ इस्लामिक नियम लागू होते हैं यहाँ के दो सबसे प्रमुख शहर हैं जो पूरी तरह से मशहूर है धार्मिक चीज़ों के लिए हालांकि किसी भी देश की तो राजधानी फेमस होती है सऊदी अरब की राजधानी रियाद है यहाँ की मुद्रा रियाल है राजधानी रियाद है यहाँ पे पूरा का पूरा ज़मीन मरुस्थल है यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है यहाँ पानी की बहुत सारे समस्याएं हैं बहुत पेट्रोलियम से महंगा पानी हो जाता है लेकिन यहाँ दो शहर बहुत फेमस हैं Osionfish. एक मक्का एक उसके ऊपर मदीना मक्का और मदीना ये दोनों हज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है मक्का और मदीना दोनों किस लिए प्रसिद्ध है भैया हज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है बाकी इसकी राजधानी रियाद है इसकी राजधानी क्या है रियाद यहाँ देखेंगे मक्का और मदीना ये किस समुद्र के पास है तो लाल सागर के पास है मक्का और मदीना देखिए ये आप लोग इस्लाम धर्म में ये दो चीजें बहुत ज्यादा देखा हूँ ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं ना ये मक्का है और ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं ये मदीना है मक्का का फोटो कैसे दिखा कलर का रहता है जो वो मदीना है मक्का मदीना इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र पूजा मतलब वो इसकी इसकी है हज यात्रा के लिए है। फेमस है अब यहाँ दोनों में हम आपको समझा देते हैं देखिए हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार मक्का और मदीना जाना रहता है ये जो है ब्लैक वाला इसे मक्का कहते हैं शहर का भी नाम है मक्का और ये मुस्लिम दुनिया में कहीं भी रहे वो नमाज़ पढ़ता है तो उसका सर इधर की ओर रहता है ओ, मक्का मदीना में ये वाला जो है ना ये काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है यही क्या है मक्का है अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है हज अब ये जो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ना ये सब लोग आदमी है लोग यहाँ पर करोड़ों की लाखों की संख्या में भीड़ रहती है ये कुंभ मेला में कैसे भीड़ लगा रहा था आदमी गिन पाएंगे कुंभ में वैसे यहाँ पूरी दुनिया के मुस्लिम यहाँ जाते हैं और इसका हज करके चक्कर लगाते हैं हज यात्रा कहा जाता है ठीक है हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है जब आप मक्का में जाते हैं तब ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है दूसरा जगह आता है मदीना मदीना ग्रीन कलर का है ये मोहम्मद साहब जब इस दुनिया से चले गए तो उनका जो मकबरा बनाया गया जो कब्र बनाया गया यही मदीना में बनाया गया मदीना भी बहुत बड़ा है लेकिन मेन यही जाता है फोटो में ये ग्रीन वाला एक ये, ये ग्रीन वाला दिखा देता है फोटो में और इधर वाला में देखेंगे तो ये ब्लैक वाला दिखा देता है मक्का और मदीना यहाँ पर अब इस्लाम धर्म में क्या चीज है भाई आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए इसलिए पूरी दुनिया में अगर देखेंगे ना तो मुस्लिम सब नमाज होता है अलग अलग डायरेक्शन में पड़ेंगे सर इंडिया के मुस्लिम पश्चिम डायरेक्शन में नमाज पढ़ता है देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिया के जो भी मुस्लिम है यही है मक्का इंडिया का जितना मुस्लिम है वो नमाज पढ़ेगा तो उसका मुंह किधर रहेगा पश्चिम रहेगा समझा गया मुसलमानों में एक चीज बहुत पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब लेकिन झूठ बोलने वाले तो यार गीता और कुरान पे कसम खा के झूठ बोल देते हैं लेकिन ऐसे मुसलमानों में एक प्रचलन है कहिएगा कि चल पश्चिम 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 मुंह 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 बोल के तो तो उनके कहने का सेंस मक्का और मदीना है यानी इस्लाम धर्म में दो ही लोग का महत्व है एक अल्लाह तला का उन्होंने अपना पैगंबर पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय अल्लाह को जब सबसे प्रिय होते हैं उन्हें यानी प्रोफेटर कहते हैं वही ना प्रोफेट यानी पैगंबर का एक तस्वीर दिखा दिया

दोनों आप हमें लड़ रहा है सब ये सब चीजें यहाँ पर तो ये पश्चिम दिशा, दिशा में वो लोग क्या लो करते हैं नमाज पढ़ते हैं इसलिए मस्जिद देखिएगा ना हमेशा उसका मतलब वो नमाज पढ़ने वाला पश्चिम डायरेक्शन में होगा तो ये पूजा स्थल होता है वहाँ हज यात्रा करना जरूरी होता है इससे दो चीजें बड़ा विवादित होती है कुछ लोग का कहना है यहाँ शंकर जी का मंदिर है भैया ये सारी चीजें एक आडम्बर है ये वैसे ही कहते हैं लोग कि शंकर जी का मंदिर है जैसे लोग कहते हैं गुल्लर के फूल डाल दोगे तो कोई चीज खत्म नहीं होगा ऐसे कहावत है ना बचपन में आप सुने होंगे कि पेंसिल का छिलका दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है मोर है। है? मतलब नहीं नहीं आप, आप और कहा मतलब हमारे यहाँ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रचलन है हमारे यहाँ ये लोग कहते हैं यूपी बिहार के एरिया में कि शंकर जी को यहाँ किसी ने कैद करके रखा हुआ है समझ आए क्या हालांकि ये चीजें जो है पूरी तरह से क्या है अफवाह चले देखिए ध्यान से तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है वहां पर एक पत्थर है जिस पर क्या, 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 क्या करना पड़ता है कंकड़ मारना पड़ता है हाँ। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे शंकर जी को किसी ने अरेस्ट नहीं किया है जबकि हमारे यहाँ लोगों का कहना है कि वहाँ शंकर जी को कैद करके रखा है सब कोई हिंदू पानी डाल देगा तो बाहर आ जाएंगे मतलब आपको सोचना कि कोई भगवान को इतना कमजोर कैसे कह सकता है कि मतलब कोई किसी को अरेस्ट थोड़ी ना कर सकता है वहां पे ये गलत मानसिकता है और कुछ लोग का कहना है कि वहां शिवलिंग है देखिए वो शिवलिंग नहीं है वहां पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई चीज बैठ गई है तो वो हमारे कहने से नहीं निकल सकती है और अगर आप ये मानते हैं कि वहां शंकर जी को किसी ने अरेस्ट किया तो मतलब शंकर जी की बेजती कर रहे हैं एक शैतान है। था मतलब एक बहुत बुरा आदमी था जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था कभी कुछ कर देता था तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा पत्थर का बन जाएगा तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है तो लोग जाते हैं ना तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान किया था तो किसी ने ये फोटो लाया और बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर मतलब इस फोटो में यहाँ पे कि ये शिवलिंग है जबकि ऐसा कुछ नहीं है वो परंपरा के हिसाब से दिखेगा तो एक शैतान आदमी था अब बताओ भाई अगर इस पत्थर को हिस्ट्री उठाओगे तो वो एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसे पत्थर बना दिया गया श्राफ से अब वो दुष्ट व्यक्ति को आप शिवलिंग बोलोगे आप मानते हो तो आप हमारी बात पर तो बिलीव नहीं कर सकते वरना अगर आप जिसपे बिलीव करते हो जो ऑथेंटिक चीज है जैसे गूगल

सुनिए ध्यान से हज के लिए खर्चा आता है ढाई लाख रुपए तो जब सरकार थी ना पहले कांग्रेस की सरकार वो तो मुसलमानों को और लोल बनाई बीजेपी तो <laughs> कम से कम खुल के कहती है कांग्रेस तो और लोल बनाई कांग्रेस कहती थी, थी दो लाख ढाई लाख है ना तो आप आप इसमें केवल कितना दीजिए दो लाख चालीस हजार दीजिए हाँ। मतलब दो लाख चालीस हजार दे दीजिए केवल तो मुसलमानों को लगता था दस हजार सब्सिडी हो गया दूसरा देखिए जब जो व्यक्ति ये सब्सिडी ले लेता था ना उसको एयर इंडिया की जहाज से जाना होता था एयर इंडिया और एयर इंडिया उस समय पंद्रह हजार की जगह पे साठ हजार रुपया किराया ले लेती थी भाई साहब यहां देखो पंद्रह हजार के जगह पे साठ हजार किराया ली है यहां पर यानी पैंतालीस हजार सरकार ने एक्स्ट्रा किराया ले लिया जबकि हज के लिए आप किसी भी दूसरे जहाज से जाइएगा तो पंद्रह हजार ही किराया है लेकिन एयर इंडिया से जाइएगा हज करने के लिए तो साठ हजार लेगा आपको पैंतालीस हजार एक्स्ट्रा लेगा छूट कितना दिया है दस हजार का मुसलमानों को लगता है सब्सिडी मिल रही है तो सबसे पहले भैया तू तो यहां लोल बन रहा है दूसरी बात क्या चीज होती है कि हज का एक नियम है कि आप दूसरे से पैसा लेकर हज यात्रा नहीं कर सकते तो आप सरकार की सब्सिडी लेके का लिए हज यात्रा करते हैं ये सारे धर्मों में है कि भाई आपने कमाई से जाइए नहीं तो घर में ही भगवान की पूजा कीजिए तो सऊदी अरब की आप खुद सोचिए ना भाई इलाहाबाद में अगर हर साल कुंभ का मेला लगेगा तो इलाहाबाद के लोगों की तो इनकम वैसे ही बढ़ जाएगी क्योंकि जो भी आता हज करने पैंतालीस दिन रुकता है तो आप कभी कुंभ मेला में जाइएगा तो वहीं के लोगों के टेम्पू में बैठिएगा वहीं के होटल में रहिएगा बहुत इनकम हो जाता है तो ये मक्का मदीना यहाँ हो गया बाकी ज्योग्राफिकली इसका कुछ खास महत्व नहीं है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 45 डेज भाई साहब कुछ ऐसे फैक्ट्स पता लगे एंड 2.5 लाख वाले ये भी नहीं पता था अच्छा आई नो आई न्यू दिस कि मेरी एक फ्रेंड है थी तो है सॉरी शी टोल्ड मी अबाउट दिस कि इट्स वेरी ऑस्पिशियस मतलब जब हम बात कर रहे थे तो उसने बताया था उसके पेरेंट्स कहते हैं मक्का पे तो इट इज लाइक एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इट्स लाइक उन्होंने अपनी सारी ड्यूटीज एज पर पेरेंट्स जो होती है शादी वादी करवाना सबकी कर दी एंड वो ड्यूटीज फुलफिल करके फाइनली मतलब हूँ मुझे सबसे पहले यहाँ जाना है मतलब नॉट हाँ तो बंदा यही कहेगा ना पीरियड में तो टाइम मिले ना मिले फोर्टी फाइव डेज का बट जैसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैंने हाँ, जाना है हाँ. क्योंकि ये एक लाइफ का वो है कि भाई पूरा करना ठीक है अलग -लग, अलग -लग, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग वो हैं है। है। बट ये चीज मुझे अजीब लगी कि जो लोग कह रहे कि मतलब शंकर भगवान कैद है वहां पे मैंने तो कुछ नहीं सुना भाई ये सब अफवाह में बिलीव नहीं करता था, तक आती भी नहीं थी <laughs> कि भाई पेंसिल के उससे रबड़ बन जाती तो है उसके मोर के पंखे पे चौक लगाओ तो बड़ा अबे क्या भाई कसम से okay. uh, like, लोग जो बिलीव करते हैं वो अजीब लगते हैं मुझे कि ऐसी अफवाह पे लोग बिलीव करते हैं क्या ही बन जाता है थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो एंड मिलेंगे And you can follow then. us on Instagram, Facebook, Twitter. All the links are in the description, yes. Below. And one last thing, guys. Remember one you thing: you have to grind to shine. Take, take care. Bye-bye.